प्लास्टिक की बोतलें, शॉपर्स ढक्कन, पुरानी तारें, कपड़े, सैंडल, पॉलिथिन बैग्स, जली हुई अशिया की राख, टायर, स्पेयर पार्ट्स, ऐसी अनगिनत अजीबोगरीब चीजों से बनाए गए काम की इस नुमाइश का मकसद आर्ट से कहीं ज्यादा है। There was a nationwide call, so पूरे पाकिस्तान से उन्होंने आर्टिस्ट सिलेक्ट किए, पूरे से आर्ट बनाओ, यानी वेस्ट मटेरियल, रिसाइकल मटेरियल, गार्बेज, कचरे से आप कोई आर्ट बनाए। कूड़े और माहौलियाती आलूदगी से मुतालिक शऊर और आगाही पैदा करने के मकसद से आर्ट चौक गैलरी की जानिब से आर्ट के इस मुकाबले और नुमाइश में पाकिस्तान भर से 60 के लगभग आर्टिस्ट के फन पारे मुंतखब किए गए हैं। बर्ड्स की डिफरेंट फेदर्स से उनको कलेक्ट करके एक ड्रेस बनाया है, क्योंकि अमूमन हमारे यहाँ इसको बर्ड्स के फेदर्स को वेस्ट समझा जाता है। ये हैंगिंग स्कल्पचर है, ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि कोई भी चीज़ यूजलेस नहीं होती अगर हम उसका सही तौर पर उसका इस्तेमाल करें। मुंतखब शुदा 49 फन पारों में एक्सपायर्ड कॉफ़ी से बनी पेंटिंग्स, इस्तेमाल शुदा अखबार, रिसाले, डेनिम, टूटे फूटे बल्ब, बोतलें, दरख्त की शाखों समेत हर तरह के कूड़े से बना आर्ट वर्क शामिल है। कचरे को हम जब करीब से देखें तो वो कचरा लगे, और जब दूर से देखें तो वो एक इमेज उसमें नज़र आए ना, तो मेरे काम में आप देखेंगे कि वो क्वालिटी है उसके अंदर। रिसाइकलिंग और वेस्ट की कमी के जरिए माहौल को साफ सुथरा रखने की जानिब तवज्जो दिलाती आर्ट चौक गैलरी की ये मुनफरिद काविश कूड़े से आर्ट बनाओ के नाम से 14 दिसंबर तक जारी रहेगी। कैमरामैन अदनान अली के साथ नादिया फैसल, जियो न्यूज़, कराची।